मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी, हमारा पार्ट नंबर 3 था, उसमें हमने कौन से दो एटॉमिक मॉडल्स पढ़ चुके थे हम, कौन कौन से, एक तो थॉमसन का पढ़ा था, एक रदरफोर्ड का पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर के मॉडल से, तो हम स्टार्ट करें चलें फिर हम। तो ये दिया हुआ है हमको बोर एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस। बोर का एटॉमिक मॉडल के साथ आप उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन कम्प्लीटली द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो जैसा कि हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, तो उसमें क्या करवाए थे वो, उन्होंने ये तो बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो पोजीशन होती है वो ये होती है, बट उन्होंने क्या बताया था, स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं कही थी कि किसी एटम की स्टेबिलिटी कैसी होती है, ना ही उसके स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, ना ही उन्होंने पर्टिकुलर पोजीशन बता पाए थे किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता किस तरह से है। देयरफॉर मेनी रिसर्चेस वर डन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सम इम्पोर्टेंट लॉ वर गिवन। अब क्या हो गया, उसमें बहुत सही रिसर्च की गई कि कैसे, कहीं ना कहीं उनका मॉडल सही तो था पर पूरी तरह से सही नहीं था, तो उसके लिए बहुत सही रिसर्चेज की गई और उसके बाद टाइम टू टाइम उसकी क्या किया गया, एस्टिमेट किया गया उनको, और फिर फाइनली एक क्या कहा गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया गया। वो क्या था, रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड न्यूक्लियस। यानी एटम और न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा, जो स्टडी रही और जो इंटरेक्शन रहा किसके, जो मैटर होता है यानी हमारा जो पदार्थ होता है उसके, और जो रेडिएशन होती है उनके बीच क्या करा गया, एक फाइनल स्टडी की गई, और वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। बोहर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्ट्स मॉडिफाइड रदरफोर्ड्स मॉडल, और इन्हीं फैक्ट के हेल्प से बोहर ने क्या करा, अपना जो मॉडल था उसको क्या करा, फिर से मॉडिफाई किया, और क्या क्या बताया उन्होंने, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें ड्यूल नेचर पाया जाता है, कौन कौन से ड्यूल नेचर होता है इसके बारे में हमें आगे स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिलेटेड टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन द एटम, और साथ में ही जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या जो हमारा एटम होता है उसके स्पेक्ट्रम बेस्ड जो स्टडी होती है उसको भी एक्सप्लेन बोहर ने किया। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स फॉर द स्टडी ऑफ दिस लॉ। तो उन्होंने क्या लॉज दिए, उनको पढ़ने से पहले हमको कुछ अलग पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो जनरल बेसिस है उन लॉ को लिए, उनको पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हमको दिया हुआ गया है वो दिया हुआ है नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा कि जो हमारा एटॉमिक मॉडल दिया बोहर ने वो किससे रिलेटेड दिया, मैटर और रेडिएशन को स्टडी करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो लाइट से रिलेटेड था, तो लाइट कैसे इम्पैक्ट करती है और लाइट की क्या नेचर होता है उसके बारे में स्टडी करना है। तो स्टार्ट करें, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रेवल इन द वैक्यूम। जो लाइट होती है वही एक एनर्जी होती है जो क्या होती है, सिर्फ वैक्यूम में भी चल सकती है, यानी वैक्यूम में भी अगर हम लाइट पास करना चाहें तो वो क्या हो सकती है, पास हो सकती है। इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, जो लाइट होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है, जैसे इंफ्रारेड लाइट्स हुई, अल्ट्रावायलेट हुई, विजिबल लाइट हुए, कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। ये सारी भी लाइट्स होती है, ये भी कहीं में वैक्यूम में पास हो सकती हैं। लाइट क्या क्या इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी शो करती है, विच डिस्क्राइब वेव लाइक नेचर। जो लाइट होती है वो इंटरफेरेंस यानी क्या होती है, लाइट जब दो लाइट्स एक साथ चल रही होती है तो लाइट्स क्या होती है, एक दूसरे पे क्या होती है, इंटरफेरेंस भी हो सकती है, और एक ही लाइट दो से ज़्यादा क्या हो सकती है, रेज है उसमें भी टूट सकती है। तो इस तरह से लाइट जो होती है इंटरफेरेंस भी दिखाती है, डिफ्रैक्शन भी दिखाती है, विच डिस्क्राइब वेवलेंथ लाइक नेचर, और ये बताता है कि लाइट जो होती है उसका वेव लाइक नेचर होता है। सम इंस्ट्रूमेंट सच एज माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप इट्स वर डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, और लाइट का जो वेव नेचर है उसी की हेल्प से क्या कहा गया, जो सूक्ष्मदर्शी यानी हमारे माइक्रोस्कोप जो होते हैं और टेलीस्कोप जो होते हैं उनको भी किसी की हेल्प से ही दिखाया गया, जो लाइट का वेव नेचर होता है उसी की हेल्प से। ऑन द कॉन्ट्रेरी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट कैन बी प्रूवन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। अब जो लाइट होती है
उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो ओनली हम वे ऑफ नेचर के बेसिस पर नहीं बता सकते. फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैंक बॉडी रेडिएशन, इट्स कान बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर. यानी लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती है जो सिर्फ वेव नेचर के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते. दिस प्रॉपर्टीज शो द नेचर ऑफ लाइट. आइडिया ऑफ कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल पुट फॉरवर्ड बाई सर आइजेक. यानी कि क्या है, जो अकॉर्डिंग टू हिम वेरी मिनट एंड मासस पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम द लाइट ईच लाइट सोर्स. यानी इनका कहना था कि लाइट जो है वो, आप कह रहे हो कि लाइट जो है वो तो वेव की होती है, यानी वेव नेचर होता है, बट साथ ही साथ जो आइजेक न्यूटन सर का था उनका ये कहना था कि जो लाइट है ओनली वेव लेंथ में ही होती है, यानी वेव के फॉर्म में ही नहीं होती, साथ ही साथ वो किसके फॉर्म में होती है, कर्पस्कल्स के फॉर्म में भी होती है. वेन दिस कर्पस्कल्स कोलाइड विद द रेटिना ऑफ द आई देन द लाइट इज फेल्ट. जब ये कर्पस्कल्स ही हमारे आई पर आते हैं तभी हमको क्या दिखते हैं, लाइट, हम मतलब हम देख पाते हैं. दिस पार्टिकल्स ऑफ द लाइट आर कॉल्ड फोटोन्स. और ये जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के वो फोटोन्स कहलाते हैं. यानी हमको यहाँ सिर्फ ये बताया गया है जो हमारी लाइट है ना, वो कितनी होती है, ड्यूल होती है, ड्यूल फॉर्म में होती है. कौन कौन से फॉर्म होते हैं, एक तो हम कह रहे हैं कि वो वेव के फॉर्म में होती है, ठीक है, और दूसरी क्या है, वो फोटोन्स के फॉर्म में भी होती है. फोटोन्स यानी हम ये कह रहे हैं कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है, एक वो वेव के फॉर्म में भी होती है, एक फोटोन्स के फॉर्म में भी होती है. इस तरह से लाइट की जो हमको पता चला कि लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ड्यूल नेचर होता है. लाइट का वेव नेचर किसने बताया हुआ है, हाइगन ने बताया है, जबकि लाइट का जो ये फोटोन वाला नेचर है ये किसने बताया हुआ है, ये आइजेक न्यूटन ने बताया है, ठीक है. लाइट के ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करने के बाद हमको अब पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, वो वेव जो इलेक्ट्रॉन यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न जो फॉर्म होती है, ठीक है. तो हम स्टार्ट करें. इन 1964 जेसी मैक्सवेल प्रपोज्ड अ लॉ रिगार्डिंग एनर्जी रेडिएशन. यानी 1964 में जो हमारे मैक्सवेल अंकल थे उन्होंने एक लॉ दिया, किस पर, एनर्जी रेडिएशन पर. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, उनका लॉ क्या था, एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाय एन अल्टरनेटिव करंट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी विच इज सिमिलर टू द वेव्स एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. दिस वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. यानी इनका एक कहना था कि जो एनर्जी है वो किसके, रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होती है. कब, किसकी हेल्प से, जब अल्टरनेट करंट जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी का हो, और जो कि सिमिलर, किसके सिमिलर होता है, जो हमारा वेवलेंथ होती है उसकी वेलोसिटी के क्या होगा, इक्वल ही होगा. किसकी जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो हमारी किसकी इक्वल होगी, हमारी जो हमारी लाइट की वेलोसिटी थी उसी की इक्वल इसकी वेलोसिटी होगी. और दिस वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो ये लाइट जो है, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के कारण क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है. इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मैक्सवेल ने क्या बताया कि जब अल्टरनेट करंट हाई फ्रिक्वेंसी का हो तो उसमें से एक वेव प्रोड्यूस होती है, वो वेव किस तरह से होती है कि उसके जो वेलोसिटी होती है वो हमारी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, बट जो ये हमारी वेव्स होती है वो क्या हो गई, हमारे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेट करती है. कहाँ पर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में. इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इन दिस वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो आपको दिख रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर है. साथ ही साथ ये जो हमारा ये अल्टरनेट करेंट है इसके भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी क्या कर सकती है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है. फॉर द फर्स्ट टाइम मैक्सवेल प्रपोज द लाइट वेव्स आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर. यानी फर्स्ट टाइम हमारे मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था कि जो लाइट वेव्स होती है वो किससे रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर से रिलेटेड होती है. विजिबल लाइट रेज, इन्फ्रारेड, अल्ट्रावायलेट
वायलेट रेज, एक्सरे, गामा रेज, रेडियो वेव्स आर इट्स आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे विजिबल लाइट्स हुई, इंफ्रारेड हुई, अल्ट्रावायलेट हुई, एक्सरे, ये सारी किसके एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट के एग्जाम्पल्स है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हमको पढ़ना है कैरेक्टर्स ऑफ वेव मोशन, यानी वेव जो मोशन करता है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में। तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द वेव मोशन, यानी वेव के मोशन करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है हमको इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है उसको हम एक साइन से डिनोट करते हैं, वो साइन होता है कुछ इस तरह, ठीक है, और इसे वो क्या कहते हैं, लेमड़ा कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट और टर्फ्स ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट कैन बी एक्सप्रेस इन द मीटर, सेंटीमीटर एंड एंगस्ट्रॉम्स। यानी क्या है, जब हमारी वेव ट्रेवल कर रही होगी तब उसके जो सक्सेसिव क्रेस्ट होंगे और टर्फ्स जो होंगे उनके बीच का डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वेवलेंथ कहलाएगा। किस तरह से, जैसे हमको यहाँ पे दी हुई है एक वेव दिख रही है आपको, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारे क्रस्ट है इनके बीच का डिस्टेंस या हमारे जो टर्फ्स है इनके बीच थ्रोज जो है उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो इतना हो गया, वेवलेंथ क्लियर हुई। वेवलेंथ जो होती है इसको कई कई मेजर करते हैं, एमस्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है और मीटर भी हो सकती है, बट तीनों में क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि जो 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है वो 10^-8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और 10^-10 मीटर के इक्वल होता है एक एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इतना होने के बाद देन नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है हमको फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। यानी क्या है, एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर हमको ये वेवलेंथ दे रखी है, तो इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी वेवलेंथ जितनी बार एक सेकेंड में निकल जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो आगे आपको फ्रिक्वेंसी की समझ में, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में एक पॉइंट से जितनी बार कोई वेव निकल जाए वो क्या कहलाती है, फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और इसको किस तरह से, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिख रहा है आपको ये साइन, न्यू इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखी है वो दे रखी है हमको वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। वही कि 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कोई वेव ट्रेवल कर लेगी वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय सी, उसको किस तरह से, इस तरह से सी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो एक तरह से हमारा जो रिलेशन हो गया किसके बीच में, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच, वो क्या रहेगा, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो हमारी वेलोसिटी और वेवलेंथ के इस तरह से रिलेटेड होती है। दिख रहे हैं आपको दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है या हमारी वेलोसिटी होती है और हमारी वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक, देन नेक्स्ट जो है वो दे रखी है हमको वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, इट इज़ नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स है वो क्या कहलाएगी, उसकी वेवलेंथ कहलाएगी। जो वेवलेंथ होती है जस्ट अपोजिट होती है हमारी, सॉरी, वेव नंबर जो होता है जस्ट अपोजिट होता है हमारी वेवलेंथ की, यानी कि एक जो हमारा पूरी वेवलेंथ है उसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स है वो हमारी क्या होती है, वेव नंबर होती है। जो वेव नंबर होता है जस्ट वेवलेंथ का अपोजिट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो दे रखी है हमको एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, यानी हमारी वेव जो है उसकी जो हाइट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है, चाहे वो फिर क्रस्ट में हो या फिर ट्रफ में हो, है ना, वो क्या कहलाती है, हमारी एम्पलीट्यूड कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया, इस एम्पलीट्यूड को किस तरह से डिपेंड कर नोट करते हैं, ऐसे नोट करते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, वेवलेंथ पढ़ लिया, फ्रिक्वेंसी पढ़ी, एम्पलीट्यूड पढ़ा, वेलोसिटी और वेव नंबर, तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली। ये सारी क्या होती है, जो वेवलेंथ होती है उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव सेम वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती है, रेडिएशन जो होती है, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल ही होती है, बट
दीज रेडिएशन हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, बट इनकी जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। इनकी जो वेलोसिटी होती है वो तो नॉर्मल लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, बट जो इनकी वेवलेंथ होती है और इनकी फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। किस तरह से, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक मिनट। जैसा कि ये रहा आपके सामने, हमने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती है, हमारी रेडियो वेव्स हुई, माइक्रोवेव्स हुई, इंफ्रारेड हुई, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है सभी की क्या होती है, अलग अलग होती है। वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, आपको सेंटीमीटर या मीटर में चेंज करना हो तो हमने अभी हर लेसन पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग करना होगा। और इनकी फ्रिक्वेंसी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इस तरह से हमको पता चला जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनकी वेलोसिटी तो सेम होती है, बट उनकी जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। और जिस जो सारी चीज़ें हमने अभी इनके बारे में रिलेशन पढ़ा उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको वेवलेंथ काउंट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कई एग्जांपल में अगर हमको वेलोसिटी दे रखी होगी तो भी हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी दे रखी हो तो भी हम वेवलेंथ कंप्लीट निकाल सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।